का हमारा विषय है फिशर इन एनो, यानी हमारे गुदा मार्ग में जो एनल कैनाल होती है उसकी म्यूकोसा मेम्ब्रेन में जो एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है तो उसे हम फिशर कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, फिशर क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पाइल्स ये अर्थात हेमोराइड्स अर्थात इसको बवासीर से हम कैसे अलग पहचाने, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका वो कौन सा बेस्ट इजी वे है ताकि हम इसको बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर सकें। डियर फ्रेंड, फिशर क्या होता है, जो एनल कैनाल में जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है अर्थात वो टियर हो जाती है, यानी वो थोड़ा सा फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक रेड लाइनिंग बन जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ गुदा मार्ग आप देख रहे हैं, गुदा मार्ग के अंदर जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है एनल कैनाल की उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल कट लगा हुआ है और जिसका कलर थोड़ा सा रेडिश कलर ज़्यादा है। डियर फ्रेंड्स, फिशर हमारी बॉडी में दो प्रकार से होते हैं, एक होता है एक्यूट कंडीशन, एक होता है क्रोनिक कंडीशन। एक्यूट में जो फिशर होते हैं अर्थात जो फिशर हमारी बॉडी में आज बना है और लगभग अगर इसका सही से ट्रीटमेंट ना किया गया और ये लगभग 2 महीने तक के अंदर का जो पीरियड होता है उसको हम एक्यूट कंडीशन ऑफ फिशर बोलते हैं। अगर हम फिशर का सही ट्रीटमेंट ना करें और ये हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहे अर्थात 2 महीने के बाद भी रहे और इसमें सेंटिनल टैग या एनल पैपला भी बनने लगे तो ये ही फिशर क्रोनिक कंडीशन कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम एक्यूट कंडीशन में फिशर का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये क्रोनिक कंडीशन में बदल जाता है। दूसरा, फिशर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। डियर फ्रेंड, फिशर में जो सबसे मेन सिम्टम होता है वो होता है बर्निंग। जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो हमारे मल द्वार में मल त्याग के पश्चात लगभग 1 से 2 घंटे तक बर्निंग होता है, इचिंग भी हो सकता है और पेन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर एक्यूट कंडीशन में है तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और अगर ये क्रोनिक कंडीशन में हो जाता है तो ब्लीडिंग कम होती है, इचिंग और बर्निंग बहुत ज़्यादा होता है। डियर फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कि फिशर कैसे हमारी बॉडी में बनता है, क्यों इतना ज़्यादा ये पेनफुल होता है, अगर इसका सही ट्रीटमेंट ना किया गया तो हमारी बॉडी में और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इसको हम कैसे पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। एक पिक्चर के माध्यम से मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी एनल कैनाल है, ये रेक्टम है, ये एनो रेक्टल रिंग है और ये एनल वर्ड्स है। ये अंदर की जो है ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो म्यूकोसल फोल्ड्स आप देख रहे हैं इसको हम लोग यहाँ पे इसको हम डेंटेड लाइन बोलते हैं, और डेंटेड लाइन के जस्ट नीचे यहाँ पे एक और लाइनिंग होती है जिसे हम वाइट लाइन कहते हैं। वाइट लाइन क्या होती है, जो ये इंटरनल स्फिंक्टर्स है इसके लोअर एंड इंस के नीचे जो यहाँ पे लोअर एंड है यहाँ से एक लाइन का डिमार्केशन होता है जिसे हम वाइट लाइन कहते हैं। इसका भी मतलब है फिशर को समझने के लिए। और इसके ये इंटरनल स्फिंक्टर है और ये जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। इन दोनों स्फिंक्टर को समझना जरूरी है क्योंकि फिशर में एक कॉम्प्लिकेशन होता है, हमारे मलद्वार में स्पाज्म हो जाता है। जब हमें मल त्याग के समय पेन होता है तो हम अपने मल को और कस के उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं और मल को रोकने मतलब कोशिश करते हैं कि मल हमारी बॉडी से ना निकले, क्योंकि उस समय हमें पेन बहुत होता है। तो एक हमें क्रोनिक कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन की समस्या झेलनी पड़ती है जो कि इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर की वजह से। तो डियर फ्रेंड्स, फिशर क्या होता है, हमारे मलद्वार में जो एनल कैनाल होती है ये एनल कैनाल है, एनल कैनाल की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग गया है अर्थात वो जो हमारी म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो उसकी लंबाई में वो फट गई है, इसे हम फिशर कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पेन क्यों होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जब इंटरनल पाइल्स होता है तो हमें पेन नहीं होता है, लेकिन जब हमें फिशर होता है तो हमें पेन बहुत होता है, क्योंकि जो डेंटेट लाइन होती है उसके नीचे जो नर्व की सप्लाई होती है वो सोमैटिक नर्व का इनर्वेशन होता है और डेंटेट लाइन के ऊपर ऑटोनॉमिक नर्व का इनर्वेशन होता है। सोमैटिक नर्व की वजह से हमें पेन बहुत ज़्यादा फील होता है। डियर फ्रेंड्स, यहीं पे हम थोड़ा सा समझेंगे इंटरनल हेमोराइड्स और फिशर में क्या अंतर होता है। जो इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं वो डियर फ्रेंड्स वो डेंटेट लाइन के ऊपर बनते हैं और जो फिशर बनता है वो डेंटेट लाइन के
ज्यादातर केसों में डेंटेड लाइन के नीचे तक रहता है। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट हमें कंप्लेन ये करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पाइल्स हो गया है, जबकि उनकी कंप्लेन ये होती है, उनका जो सिम्टम्स हमें वो शो करते हैं, पेन बताते हैं, हल्का फुल्का ब्लीडिंग बताते हैं, बर्निंग है, इचिंग है, जबकि ये सारी समस्याएं इंटरनल हेमोराइड्स में नहीं होती हैं। इंटरनल हेमोराइड्स में तब तक नहीं पेन होगा जब तक वो थ्रोम्बोज्ड पाइल्स में न कन्वर्ट हो जाए, अर्थात वहाँ पर या तो कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या तो वहाँ पर ब्लड के कोई क्लॉट्स ना बन जाए। तो इंटरनल हेमोराइड्स में डियर फ्रेंड्स पेन नहीं होता है, ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है। और अगर वो इंटरनल हेमोराइड्स ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का हो गया है तो जब हम मलत्याग के लिए जाएंगे तो हमें एक मस्से टाइप का एक स्वेलिंग हमारी मलद्वार से निकलता हुआ दिखाई देगा या महसूस होगा, लेकिन फिशर में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई स्वेलिंग नहीं होती है, बस केवल एक डीप वहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल कट होता है, एक अल्सर होता है। अल्सर का मतलब होता है नॉन हीलिंग उंड, यानी जो ना घाव भरने वाला घाव, और ये एक्यूट कंडीशन में। अगर यही फिशर क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या होता है, क्या चेंज आते हैं फिशर में, कि जो इसका लोअर इंड होता है यहाँ पे कुछ ऐसे स्किन की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो फिशर का जो लोअर इंड होता है वहाँ पे स्किन की कुछ फोल्ड हमें छूने पे महसूस होता है कि यहाँ पे हमारे मल द्वार के जो लोअर इंड है वहाँ पे कुछ स्किन बन चुकी है, तो उसे हम सेंटिनल टैग या स्किन टैग बोलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि फिशर के नीचे देखिए यहाँ पे मल द्वार के आसपास एक सुकड़ा हुआ एक स्किन टैग दिख रहा है, तो इसे हम स्किन टैग बोलते हैं। और इसके अपर बॉर्डर पे जो अपर इंड होता है यहाँ पे भी कुछ स्किन का फोल्ड डेवलप होता है जिसे हम पैपिला बोलते हैं। और अगर इसका सही से ट्रीटमेंट ना किया गया तो धीरे धीरे इनकी साइज बढ़ती जाती है और ये जो होती है ये ग्रो करते जाते हैं, और फिशर जो है फिर कभी भी ओरल मेडिकेशन से हम ठीक नहीं कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और होती है फिशर में, मेल और फीमेल में फिशर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसा कि ये तो हम लोग देख रहे थे कोरोनल सेक्शन, अगर हम थोड़ा सा एक्सियल सेक्शन देखें, अगर हम इसका एक्सियल सेक्शन थोड़ा देखें, जैसे ये हमारा एनल कैनाल है और अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, बस मैं इतना ही दिखाऊंगा, तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन होती है। अगर हम लिथोटॉमी पोजीशन में लेट जाएं तो ये ऊपर का हिस्सा होता है, एंटीरियर पार्ट होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मलद्वार में कट लग गया है, तो जो मेल्स होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं उनमें ज़्यादातर जो फिशर होता है वो पोस्टीरियर साइड में होता है, वो अर्थात नीचे की तरफ होता है या 6 o'clock की तरफ होता है। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो फिशर बनता है वो एंटीरियर साइड में बनता है, यानी ऊपर की तरफ, यानी पेशाब के रास्ते की तरफ। जो एंटीरियर साइड में फीमेल्स में ये कंडीशन, ये फिशर की कंडीशन ज़्यादा बनती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी का जो कर्वेचर है, हमारी जो रेक्टम का कर्वेचर है और पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो लोअर पार्ट ऑफ वर्टिब्रा ब्रोन्स होते हैं, उसकी वजह से होता है। और महिलाओं में चूँकि जो जेनाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम लोग यूट्रस होता है, उसकी वजह से यहाँ पर एंटीरियर साइड में फीमेल में ज़्यादा फिशर बनते हैं और पोस्टीरियर साइड में मेल्स को ज़्यादा फिशर बनते हैं। और जो स्किन टैग की हम लोग बात कर रहे थे वो यहाँ पे ऐसे स्किन का फोल्ड बन जाता है जिसे हम सेंटिनल टैग या स्किन टैग बोलते हैं। ये कंडीशन जो होती है वो क्रोनिक कंडीशन में होती है, फिशर का जो क्रोनिक स्टेज होता है उसमें होती है। डियर फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में फिशर के ट्रीटमेंट में ओरल मेडिकेशन भी है। दूसरा, अगर एक्यूट कंडीशन में है तो ओरल मेडिकेशन से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम कॉन्स्टिपेशन को जितना ज़्यादा हो सके ना होने दें। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर मान लीजिए ओरल मेडिकेशन लेते हैं और हमारे मलद्वार में यहाँ पे कट लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कट लगा हुआ है, ओरल मेडिकेशन लेंगे अगर, तो मल जितना ही सॉफ्ट होगा, यानी मल जितना ही पतला होगा, हमारे मलद्वार को उतना फैलाना नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, जो एक्यूट कंडीशन के फिशर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो फिशर, अगर मान लीजिए 1-2 महीने आपने ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसी बीच हमारे
हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हमारा मल हार्ड हो जाए, तो क्या होगा, जैसे ही मल हमारे मल द्वार से बाहर आएगा, हमारे एनलवर्स को फैलना पड़ेगा, यानी जो ये स्फिंक्टर्स हैं इनको डायलेट होना, इनको जो है डायलेट होना पड़ेगा, तो जो हीलिंग हो रही थी हमारे म्यूकोसा मेम्ब्रेन में, वो हीलिंग ना होकर फिर से वो टियर हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अगर ओरल मेडिकेशन से हम फिशर को ट्रीट कर रहे हैं, अब वो भी एक्यूट कंडीशन में है, तो 1 से 1.5 महीना तक कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। मल सॉफ्ट रहेगा तो धीरे धीरे जो होता है वो घाव भर जाता है। अगर ओरल मेडिकेशन से घाव नहीं भर रहा है, नहीं ठीक हो रहा है फिशर, तो इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है क्षारसूत्र। क्षारसूत्र से हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे ये फिशर होता है, इसके जस्ट नीचे से एक पार्शियल फिशुला का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे मलद्वार में यहाँ कट लग गया है, ये हमारा मलद्वार है, ये पोस्टीरियर साइड है, तो यहाँ इसके जस्ट नीचे से एक क्षारसूत्र लाइगेट करते हैं, और इसके जो अपर बॉर्डर जो यहाँ पे होता है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर तक जाकर एक क्षारसूत्र लाइगेट कर देते हैं, और 4 से 5 दिन में क्षारसूत्र वहाँ से कट के निकल जाता है, और धीरे धीरे वहाँ पे हीलिंग हो जाती है। तो फिशर इस तरह पूर्ण रूप से 10 से 15 दिन में फिशर क्षारसूत्र भी द्वारा ठीक हो जाता है।